अभिषेक जो है स्कूल से आ चुका है. हाउ वाज योर डे बेटा? ओके, व्हाट यू डिड इन द स्कूल? डे इज मंडे. ओके ओके, ఏం చేసావు స్కూల్ లో? అమ్మా ఏం చేసావు? ఏమేం చేసావు? ఏమీ రాయించలే. అరే హా, మరి ఓన్లీ రైమ్స్ ఏ చెప్పించారు. ఓకే, సో ఆజ్ అభిషేక్ కు ఓన్లీ రైమ్స్ హి బతాయా, కుచ్ లిఖాయా నహీ బోల్ రహే. దిస్ ఇస్ అభిషేక్స్ ఫేవరెట్ एंड माई फेवरेट टू. सो हम लोग जो है अभी एक प्रॉपर्टी देखने के लिए जा रहे हैं. हमारी जो प्रॉपर्टी की जो क्या बोलते हैं शुरुआत हुई थी, अभी तक उसका जो है उसको एक अंजाम में नहीं लेके आ पाए हैं हम. तो इसको पिक करने के बाद आज हम जो है वहाँ देखने के लिए जा रहे हैं. तो हमने सोचा चलो इसको पिक करके ले लेते हैं. वैसे तो वैन थी, घर पर छोड़ देता, लेकिन आदित्य अभी ऑलरेडी स्कूल से आ चुका है. सो वी वर लाइक कि इसको खाना खिलाना पड़ता है, वो तो खा लेता है, उसको मैं मिला के दे के आ गई, तो आदित्य तो खा लेगा. वो अभिषेक के लिए जो है मैंने बॉक्स रख दिया था, क्योंकि ऑल्दो ये बोल रहा था घर पे छोड़ने के लिए, आदित्य तो खुद खा लेगा, लेकिन इसको मिला मिला के खिला नहीं सकता है ना, वो उसको उतना आता नहीं है. तो मुझे लगा चलो जितने टाइम स्पैन में हम लोग जाके आएंगे वो रास्ते में इसको खिला पिला भी देंगे. तो तुरंत आया, एकदम से खाना क्या खाएगा घर की, इसलिए इसको ये मेरी भी फेवरेट है, इसकी भी फेवरेट है, ये हल्दीराम की भुज्जी सेव जो है वो, तो ये थोड़ा थोड़ा खा रहे हैं. उसके बाद थोड़ी देर में जब देख लेंगे शायद प्रॉपर्टी, उसके बाद मैं इसको खिला दूंगी, बिकॉज अभी जस्ट 12:10 ही हो रहे हैं, 1 बजे तक भी खिलाएंगे तो इट्स अ करेक्ट लंच टाइम, तब खिला दूंगी. सो पहला दिन था अभिषेक का, अच्छा रहा एंड हैप्पी कि भाई बच्चे अगर हंसते हुए जाए, हंसते हुए वापस आ जाए तो चिंता नहीं होती. अगर थोड़ा सा भी डल मूड बना के रहते ना तो पूरा टाइम जो है चिंता लगी रहती है कि भैया रो तो नहीं रहे होंगे वहाँ पे, कुछ कर तो नहीं रहे होंगे. बट अभी तो फिर भी बच्चे बड़े हो गए, थोड़ा सा अभिषेक भी बड़ा हो गया, लेकिन स्कूलिंग जो है नई नई है, आदत नहीं पड़ी बिल्कुल स्कूल की, कोविड की वजह से. चलो फिर जो है पढ़ाई करके आज स्कूल जाके थक गया और उसको नींद आ गई, वो सो गया. देखो कैसे सो रहा है मेरे बच्चे. तो एंट्रेंस आप लोगों ने देख लिया ना, इट इज़ मिड वैली सिटी. मैं यहाँ कोई प्रमोशन नहीं कर रही क्योंकि हम लोग देखने गए थे, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग. सो एंट्रेंस के बाद ये बहुत ही एक 60 फीट रोड यहाँ पे दी हुई है, काफ़ी अच्छी तरह वाइड है. एंड उसके बाद एंट्रेंस लेने के बाद वी हैव पार्किंग गिवन, अंडरग्राउंड पार्किंग है. सो आगे फिर से जो है आपको एंट्रेंस, डबल एंट्रेंस, मतलब वो मेन एंट्रेंस था, फिर आगे आते टाइम फिर से एक जगह पे यहाँ पे लिखा हुआ था. एंड ये बिल्डिंग की जो बालकनीज है, आपको वहाँ पे जो थोड़ा बॉर्डर टाइप का वर्क दिख रहा है ना, वो एक एक्स्ट्रा इफेक्ट जो है इसमें लेके आ रहा है. तो नाउ वी आर गोइंग इन टू द अंडरग्राउंड पार्किंग. एंड पार्किंग इज़ सो स्पेशियस कि आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली कि भैया आपको कार कहाँ रखनी है, कैसे रखनी है. रखना कभी कभी क्या होता है, किसी किसी पार्किंग्स में एक ही साइड से निकालना होता है, तो इसमें आप कहीं पे भी रखो, 360 डिग्रीज में आप कहीं से भी निकल सकते हो, कहीं से भी आ सकते हो. नाउ अभी हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं, तो साथ साथ में आपको एक्सप्लेन करते रहूँगी. सो अभी हम लोग यहाँ पर लिफ्ट में हैं. पार्किंग ही बहुत ज़्यादा बड़ी है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी मॉल में आए हैं उस टाइप के. ये अभी अभी इसको नींद में से उठा के गोदी ले है. सर्विसेज सारी की सारी, इंटीरियर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर इनका सारा कुछ बहुत अच्छा है. एंड अभी द हॉस्पिटैलिटी पार्ट, टी एंड कॉफ़ी विथ सम बिस्किट्स. एंड कॉफ़ी भी काफ़ी अच्छी है, बरिस्ता वाली कॉफ़ी लग रही है एकदम. एंड बच्चे के लिए जो है ये दूध दिया है इसमें, ये देखो ये भी पी रहे हैं कॉफ़ी एंड कर रहे हैं बिस्किट.
अभिषेक के लिए दूध एंड हियर अभिषेक, वो भी बिस्किट खा रहा है, बिस्किट एंड माय कॉफी। लोकेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ऐसा लग रहा है कि कैसे जैसे कोई फाइव स्टार होटल अपन लोग बुक नहीं करते, पूरा सराउंडिंग बैकग्राउंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, रियली वेरी गुड। आपको ये बिल्डिंग दिखाती हूँ, देखो ये पूरा ग्रास के उससे टाइप में, पूरा आर्टिफिशियल ग्रास के उससे डेकोरेट करी हुई है। एंड यहाँ पे जो प्लांट्स है वो भी बहुत ब्यूटीफुल लगे हुए हैं, सी कलर्स इन ऑल। अभी तक धूप नहीं थी, अभी ज़रा जोर से हो गई है धूप, तेज़ हो गई। पूरा एकदम सिक्योरिटी वाइज भी बहुत अच्छा है, आपके बच्चे कहीं पे भी खेले, कोई पंगे नहीं है। सो रंगोली देखो क्या बढ़िया बढ़िया बनाई हुई, यहाँ पे हर एक ब्लॉक का एक नाम दिया हुआ है, दिस इज कैलाश। सो सबसे पहले मैं अभी आपको 3-bedroom अपार्टमेंट दिखाने वाली हूँ, 4-bedroom बाद में दिखाऊंगी। सो यहाँ पे हो रहा है इसका एंट्रेंस। सो यहाँ पे एंटर करते ही ये लिविंग रूम एंड डाइनिंग जो है कंबाइंड दिया है, लेफ़्ट में जो है आपको पूजा रूम, किचन एंड चिल्ड्रन बेडरूम है, एंड राइट साइड में मास्टर बेडरूम एंड गेस्ट बेडरूम है। सो वो मैं मेंशन भी कर रही हूँ, अगर कोई दूसरे लैंग्वेज वाले भी देख रहे हैं दे विल अंडरस्टैंड। सो अभी मैं लेफ़्ट में आई हूँ, तो ये लेफ़्ट में पहले किचन है, किचन भी एक बहुत अच्छा स्पेस है, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, गुड इनफ। और यहाँ पे जो इंटीरियर यहाँ पे किया हुआ है, जो ये जो है मॉडल डेमो पीस उन्होंने रेडी करके रखा है, सारे इसी तरह से करे हुए नहीं है, तो अगर कोई ख़रीदता है उनको अपने आप से कराना है तो अपने आप से भी करा सकते हैं, लेकिन अगर आप इनसे ही कराते हो तो दे विल यू नो डिज़ाइन इन दिस वे एंड तब आपको प्रोवाइड करेंगे। बाद में आगे जाने के बाद मैं इनके चार्जेस भी आपको बताऊँगी, तो यू कैन टेक योर ओन डिसीजंस कि भाई क्या करना है। तो बालकनी जैसे दिखाई, यहाँ से हॉल से स्ट्रेट में आती है, दिस इज़ मास्टर बेडरूम, एंड हर एक का मैं बाथरूम भी आपको दिखाऊंगी, सारे बाथरूम्स भी बहुत ज़्यादा लग्जीरियस है। एंड ये है मास्टर बेडरूम, तो आप इसका बेड भी देख सकते हैं, एंड ऊपर जो क्या बोलते हैं झूमर नहीं उस टाइप का शैंडलियर जो बोलते हैं वो है, और हर एक रूम में चिल्ड्रन बेडरूम हो चाहे गेस्ट रूम में, हर एक रूम में एक टाइप का लगाया हुआ है। तो मास्टर बेडरूम से बाहर आने के बाद दिस इज़ गेस्ट बेडरूम। सो बेड्स अगर आप नोटिस करें यहाँ पे मॉडल अच्छा है, जो उसका जो विड्थ ऑफ द मैट्रेस है वो भी अच्छा है, लेकिन बेड साइज़ मुझे थोड़ा छोटा लगा। उसके पीछे भी मुझे ये रीज़न लग रहा है, जब ज़्यादा रूम्स अवेलेबल है तो सबको एक रूम में घुस के सोएंगे नहीं, शायद इनका वो मोटिव रहा हो, तो इसलिए शायद बेड छोटे बनाए हों, तो वो एक तरह से प्लस भी माना जा सकता है और माइनस भी माना जा सकता है। सो दिस इज़ द ओवरऑल लुक ऑफ दिस पर्टिकुलर रूम, एंड बाथरूम्स भी मैं आपको दिखा रही हूँ, तो सारी जो उसमें एक्सेसरीज यूज़ करी वो सारी काफ़ी अच्छी लग रही है। एंड पहले मैंने आपको किचन दिखाया था, दिस इज़ पूजा रूम, सो फूलों के साथ स्वागत। एंड पूजा रूम के जो लेफ्ट में वी हैव चिल्ड्रन बेडरूम, सो चिल्ड्रन बेडरूम में भी अगर आपको मैं दिखाऊँ, आगे जो है स्लाइडिंग कबर्ड दिया हुआ है, ऊपर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चैंडेलियर लगाए हुए हैं, थोड़े यूनिक है, अच्छे लगे मुझे वो। सो एक आइडिया जो है, आप जब ऐसे तरह तरह के दिखते हो ना, आप अगर अपना घर खरीदते हो आप सोचते हो भैया मुझे इंटीरियर तो इसी तरह का कराना है, आप सोचते हो एक दिमाग में रहता है आपका, लेकिन अब जब आप चार चीज़ें देख लेते हो यार मैंने तो वो सोचा था मैं इस तरह से भी तो करा सकती हूँ, तो एक आइडिया मिल जाता है। एंड यहाँ का वॉशरूम देख सकते हैं, वॉशरूम में जो टाइल्स है वो भी बहुत हाई क्वालिटी के लगाए हुए हैं। सो चिल्ड्रन बेडरूम के सामने किचन है, बीच में जो स्पेस है प्रोवाइडेड लॉबी टाइप की, वहाँ पे पूजा रूम है। अभी द एंट्रेंस टू द ग्रैंड 4BHK अपार्टमेंट, इसमें यहाँ पे दिस इज़ फर्स्ट लिविंग रूम। व्हाई आई एम मेंशनिंग फर्स्ट लिविंग रूम, बिकॉज यहाँ पे 3 लिविंग रूम्स है, तो ये रिसेप्शन रूम भी मान सकते हैं, एंड देन दिस इज़ डाइनिंग रूम। एंड इस वीडियो को एडिट करते हुए बहुत मेहनत लगी है, आई होप यू कैन मेक इट आउट। एंड दिस इज़ पूजा रूम, वो भी काफ़ी बहुत बड़ा है, एंड देन द किचन, एंड किचन भी बहुत अच्छी तरह स्पेशियस दिया हुआ है, और साइड में वी हैव द वॉश एरिया जो होता है वो भी है, एंड ये डाइनिंग एरिया। एंड यहाँ पे जो पीसेस रखे हुए थे ना डेकोर के पीसेस, बहुत ही डिफरेंट थे, लाइक किससे तैयार किया पता नहीं, अच्छे लग रहे थे, जैसे ये बैठा हुआ आदमी, एंड जो जो है डिफरेंट टाइप के थे, रेगुलर नहीं थे। सो दिस इज़ द शोपीस, वॉल का जो शोपीस है डाइनिंग के बाजू में दिया हुआ है,
एंड नाउ दिस इज़ द सेकेंड लिविंग रूम। तो इसको ये लोग बता रहे थे कि होम थिएटर एक्चुअली तो थोड़ा बड़ा रूम होता है, बट आप मल्टीपर्पज़ उन लोगों ने तो रेडी करके दिया, उस तरह से भी यूज़ कर सकते हो एंड दिस वे ऑल्सो। एंड दिस इज़ द फाइनल मेन थर्ड लिविंग रूम जो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, एंड इसका जो इंटीरियर है वो आप देख सकते हो, बढ़िया लग रहा है ना। सो उसके बाद सामने चार रूम है, आते ही सबसे पहले लेफ्ट में जो है ये बेडरूम है, आप चार बेडरूम है, ये फोर बेडरूम है तो कुछ भी समझ सकते हो। एंड आगे जाके जो है वहाँ पे वो दिया हुआ है वॉशरूम, एंड लेफ्ट में जो है दो बेडरूम्स है, ये है मास्टर बेडरूम, एंड मास्टर बेडरूम के सामने एक और रूम है और हॉल के एकदम सामने एक और रूम है जो आपको मैं दिखाऊंगी। तो यहाँ पे जो आप डेकोर है वो देख सकते हैं, एंड इसके देखिए साइड में ये वॉक इन क्लॉजेट दिया हुआ है, यहाँ पे पूरा लंबा सा क्लॉजेट है अच्छा खासा, एंड क्लॉजेट के ऑपोजिट में बहुत ही बड़ा एक कमरे जितना बड़ा वॉश एरिया है जिसके अंदर एक में टब भी रखा हुआ था, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे क्लिपिंग नहीं अटैच करी, बाद में कहीं अटैच करिए। सो वॉशरूम भी बहुत बढ़िया है, बहुत ज़्यादा स्पेशियस है, मतलब आप ऐसा वॉशरूम रहेगा तो थोड़ा ज़्यादा देरी शायद स्पेंड करके आओगे नए नए में। तो एंड नाउ ये मास्टर बेडरूम के सामने वाला बेडरूम है, तीसरा वाला बेडरूम, उसका ये वॉशरूम है, एंड वॉशरूम आगे जो है ये है, एंड पीछे जो है बाथ एरिया लास्ट में दिया हुआ है अलग से शारन ऐसे लगा के, मतलब पार्टीशन टाइप का दिया है, एक तरह से सही भी है, अदरवाइज़ पूरा गीला होता रहता है। एंड ये उस रूम का पूरा इंटीरियर है, तो पूरा आपको मैं कोशिश कर रही हूँ कि सब कुछ अच्छे से दिखाऊं। मैंने सारा ए टू जेड कवर किया है कि अगर आप कभी थ्री बेडरूम लेते हो या फोर बेडरूम लेते हो कैसे डिज़ाइन करना है वो सब आपको एक आइडिया मिल जाए। एंड कबर्ड्स में ऑलरेडी पिल्लो शिल्लो रखे हुए, एंड अभी मैं रूम से बाहर आई तो सीधा सामने ये जो है फाइनल फोर्थ बेडरूम है, तो सामने आपको एक मिरर सा मिल जाता है, एंड राइट साइड में जो है पूरा बेडरूम का सेटअप है। तो चार बेडरूम आए, वो आपको समझ में आ गए होंगे। एंड ये चौथे बेडरूम का प्लस पॉइंट ये है कि इसके साथ बालकनी अटैच है, तो वो एक प्लस पॉइंट है, बालकनी अटैच रहती है तो सुबह उठते ही आप जा सकते हो। एंड ये देखो बाथटब उसमें लगा हुआ है। सो रूम स्पेस अच्छा है, बेड साइज़ थोड़े छोटे, एंड यहाँ से आप सीधा उधर सामने देखो कितना लंबा एरिया है, इतना ज़्यादा बड़ा घर है ये कि आप घर में घूम घूम के किसी को अगर पहुँचाना हो ना, घर में बच्चे ज़्यादा हो और हर एक को रूम में सर्विंग करनी पड़े तो थक ही जाओगे। एंड मदर्स आर यू नो समथिंग कि उनको बच्चों को किसी ना किसी टाइम पे तो देना ही पड़ता है, तो दैट इज़ द थिंग। एंड ये हॉल में से इस साइड की बालकनी है, एंड इसका व्यू भी बहुत 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 ज़्यादा ब्यूटीफुल है ना, ग्रीनरी ऐसी लग रही है जैसे कि आर्टिफिशियल ग्रास लगाई होगी, लेकिन आर्टिफिशियल ग्रास नहीं है भैया, एकदम ओरिजिनल है। एंड ये आपको थोड़ा सा सेटअप चेंज लग रहा है ना, ये भी ऊपर वाले फ्लोर का फोर्थ बेडरूम था, एंड नाउ द प्ले एरिया जो नीचे आने के बाद था। सो यहाँ पे प्ले एरिया अच्छा खासा है, बहुत सिक्योर टाइप का, धूप इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी तो मैंने बोला मैं यहाँ पे ही खड़ी रहती हूँ, इसको आप लेके जाओ, क्योंकि अभिषेक जो है थोड़ा एक्साइटेड हो रहा था भैया खेलना है करके। पास आके चील कर रहे हैं चील, लेकिन हालत देखो एकदम फटीचर हो रखी है, फटीचर बन चुके हैं घूम घूम के धूप में, मतलब बोल दो अंदर घूमे थे लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा उसके वजह से ना घूम घूम के फटीचर हो गए हैं। एंड द जिम एरिया, एंड यहाँ पे जिम में जो नॉर्मल जिम वाले भी आजकल इतने ज़्यादा रखते नहीं है, कुछ कुछ जो है अल्टीमेट रखते हैं, कुछ कुछ नहीं रखते, तो यहाँ पे जिम के आइटम्स सारे अवेलेबल, एकदम हाई एंड जो भी होते हैं ना सब कुछ अवेलेबल है। अगर आप बाहर जाके जिम कहीं ज्वाइन होते हो आपको महीने का जो है 5 से 7 हज़ार पे करना ही पड़ता है। सो यहाँ पे अगर आप ख़रीदते हो घर यहाँ पे इस मिड वैली सिटी में, तो पूरा जो मेंटेनेंस चार्जेस है मंथली 5000 है, जहाँ पे आपको एवरीथिंग फ्री है, जिम यूज़ करो, स्विमिंग पूल यूज़ करो, उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें, कुछ कुछ कंस्ट्रक्शन में है, कुछ कुछ कंप्लीट हो चुकी है, सब कुछ आप अवेल कर सकते हो जस्ट 5000 रुपीज़ में। ऑफ़ कोर्स जो
ख़रीदोगे आप उसका तो रेट होगा ही। एंड ये जो है यहाँ पे फंक्शन हॉल जो बैंक्वेट हॉल बोलते हैं ना, वो है। दो टाइप, दो हॉल है, एक बड़ा एक छोटा। तो यहाँ पे शादियाँ भी हुई है, सब कुछ है। एंड अंडरग्राउंड में दिस इज़ आल्सो प्रोवाइडेड, दिस बैडमिंटन कोर्ट, एंड उसके बाद टेनिस भी है, कैरम भी है। मतलब इंडोर गेम्स हो गए चाहे आउटडोर गेम्स हो गए, सब कुछ ए टू जेड अवेलेबल है। आपको अपने बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए कहीं बाहर भेजने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा जैसे मैंने आपको एक स्विमिंग पूल दिखाया, टेरेस स्विमिंग पूल जो है एक अभी फ़िलहाल कंस्ट्रक्शन में, जहाँ पे अभी हम यहाँ पे घूम रहे हैं, तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये और भी ज़्यादा शाम का सिट आउट के लिए बहुत अच्छा लगेगा, वो बोल रहे थे हो जाएगा 2 महीने में। उसके अलावा क्रिकेट का जो नेट प्रैक्टिस रहती है वो भी रेडी हो रहा है, उसके अलावा स्केटिंग का भी रेडी हो रहा है, और गेम्स क्या बचे बताओ। एंड जो जैसे कराटे वराटे हो गए, दैट ऑल्सो विल कम इन टू दिस। सो ए टू जेड आपको, जैसे हम लोग कभी लोकेलिटी को ही सिलेक्ट करते हैं, हमको लगता है ना कि भाई हमको यहाँ पे सेलेक्ट करना है वरना बच्चे के लिए ये वाली ट्रेनिंग दूर हो जाएगी, तो यहाँ पे वो वाली दिक्कत नहीं है। एवरीथिंग एट अंडर वन रूफ। सो सारे जो है हाउसेस देख लिए आपने, है ना, मैंने भी देख लिया और आप लोगों ने भी देख लिया। काफ़ी अच्छा इंटीरियर करा हुआ है, एंड रेट भी उसी के हिसाब से जो 4 बेडरूम फ्लैट है जो अभी मैंने आपको रिसेंटली दिखाया। अगर आप इंटीरियर करवाते हो तो इंटीरियर ओनली का 90 लाख कुछ हो रहा है। तो अगर आप इंटीरियर के साथ लेते हो 4 बेडरूम वाला, तो वो कॉस्ट कर रहा है 3 करोड़ 75 कुछ। और अगर आप इंटीरियर के बिना लेते हो तो इट इज़ कॉस्टिंग 2 करोड़ 85 या 90 उसके हिसाब से। और जो ट्रिपल बेडरूम है यहाँ पे फुल्ली फर्निश्ड वाला, दैट इज़ कॉस्टिंग विदाउट इंटीरियर विदाउट रजिस्ट्रेशन जो है 1.2 करोड़ हो रहा है वो पूरा। और अगर इंटीरियर आपको करवाना है इनसे ही, तो उसके बाद आप और 1 करोड़ जो उसमें लगा दो, बिकॉज 90 लाख यही बोल रहे हैं। और उसके ऊपर जो है लॉकेशन आपको जैसे मैंने दिखाया, ओवरऑल इसका मेंटेनेंस हो गया या स्ट्रक्चर इसका हो गया, उसके हिसाब से ये एक्सपेक्टेड कॉस्ट ही था। अरे जो इनका ऑफिस एरिया हो गया, या सिटी से थोड़ा सा दूर है, थोड़ा सा दूर मतलब हमको हमारे घर से यहाँ पे आने के लिए 15-20 मिनट्स लगे, बहुत दूर नहीं है, बट अगर आपको एक जगह पे आदत सी हो गई तो थोड़ा दूर लगता है। सो इंटीरियर का भी एक नॉलेज हो जाता है, एंड देखने में कोई बुराई नहीं है। इतना बड़ा स्पेस है कि आपको वॉकिंग करने के लिए ग्राउंड में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके घर में इतना स्पेस है कि आप वॉक करोगे ना अगर एक टाइम लगा के, दैट विल बी एनफ, यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर। इतना बड़ा घर है, मेरे को बेडरूम्स थोड़े छोटे लगे और बेड्स जो है वो भी थोड़े छोटे लगे, बट इंटीरियर का जो इन्होंने किया हुआ है, जो जो आइटम्स इन्होंने यूज़ किए हैं, या जो डेकोर आइटम्स है, या जो एवरीथिंग ओवरऑल जो डेकोर है, वो काफ़ी अच्छा लगा। आप लोग को कैसा लगा आप ज़रूर बताना। सो हम लोग यहाँ पे पहुँचे थे 12 बजे के आसपास, एंड हमको घर जाते जाते जो है अभी 6 बजने वाले हैं, क्योंकि 6 बजे के आसपास ही हम पहुँचे थे। तो नाउ वी आर गोइंग आउट। आपको देखने में कम टाइम लग रहा है, लेकिन इतना देर हमको लगा, मतलब जो अपने मैंने आपको टाइमिंग बताई ना, इतना देर हमको पूरी सारी चीज़ें कवर करने में लगी, तो हम समझ सकते होंगे कि कितना बड़ा रहा होगा ये। एंड मैंने पूरी कोशिश करी कि आपको सब कुछ जो है समझ में आए। आई होप समझ में आया होगा, आपको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इससे नॉलेज मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर एक लाइक चिपकाइएगा, शेयर कीजिएगा, एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा घंटी बजा के। एंड अगर आपके कोई सजेशन है वो भी मुझे ज़रूर दीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।